हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना दोस्त राजेश और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आपने जैसे कि थंबनेल पर देखा होगा कि 8x16 का जो चौकड़ी बोर्ड होता है उसको हमने कैसे बनाया है, आपको पूरी पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कार्डबोर्ड है। हमने इसके ऊपर में डायग्राम, जो 8x16 का जो पिक्सल डी चौकड़ी होता है उसका हमने डायग्राम आप काट लिए हैं। आप देख लीजिए अच्छे से, ये देखिए ये 8 लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 लाइन है, देख पा रहे हैं, और इससे 16 लाइन है। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए, और जो भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, हम इसके ऊपर ड्रिल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके ऊपर में भी ड्रिल कर लिए हैं, देख लीजिए आप पहले। और देखिए ये दोस्तों पिक्सल LED है, WS2811 इसका IC नंबर है। ये 5 इंच वाली पिक्सल LED है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए हमने इसके ऊपर में अभी ड्रिल कर लिए हैं, और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने जो प्लाई लगता है साइड में, इसके लिए हमने छोड़ दिए हैं चारों साइड में, आप देख लीजिए हमने छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, ये पिक्सल LED का स्टार्टिंग पॉइंट है, आप देख लीजिए। आप यही से इनपुट देना है आपको, और पिक्सल LED का जो आउटपुट है आपको दिखा देते हैं। पिक्सल LED का जो आउटपुट है वो ये है दोस्तों, पिक्सल LED का जो आउटपुट है देख लीजिए, ये पिक्सल LED का आउटपुट है। तो दोस्तों, आपको हम एक दो लाइन आपको लगा के दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आपको यही से शुरू करना है, आप देखिए आपको यही से शुरू करना है। आपको इसी तरह से लगा के जाना है दोस्तों, देखिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी इसके ऊपर में एक लाइन लगा लिए हैं, अब देख लीजिए को यही से शुरू करना है। ये सेंटर से आप इससे भी आप शुरू कर सकते हो। आप दोस्तों, ये आप इससे इस लाइन से भी शुरू कर सकते हो, या इस लाइन से भी शुरू कर सकते हो, आप किसी भी लाइन से शुरू कर सकते हो। हमने इसमें शुरू करते हैं। अगर इसमें आपको शुरू करना है तो आपको ये जो बोर्ड है आपको इस तरह से घुमा लेना है। तो दोस्तों देखिए, तो हम आपको दिखा देते हैं, देखिए। तो दोस्तों, ये देखिए हमने एक लाइन लगा लिए हैं, और इसका जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है, तो पिक्सल LED यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी आप देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने इसके ऊपर काट लगा दिए हैं, अभी इसमें लगा देंगे। देखिए एक लाइन, हमें और एक लाइन लगा के आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों इस टाइप का कनेक्शन है, आपने थंबनेल पर देखा होगा, देखिए। हमने लगा लिए हैं, ये जो हमने काट लगाए हैं, हम इसको और एक वायर की मदद से हम इसको जोड़ लेंगे, देख पा रहे हैं।
तो इसी तरह से आपको सारी बोर्ड में कनेक्शन करना है। इसमें टोटल 128 ब्लॉक लगेगा। तो देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, हम आपको इसी तरह से आपको यहाँ से आपको इस टाइप में करना है। तो इसी तरह से आप पूरी बोर्ड में कनेक्शन कर लीजिए। और आपको एक एक यदि आप हम दिखाएंगे तो दोस्तों बहुत समय लगेगा। तो हम इसके ऊपर में अभी ब्लॉक लगा लेते हैं और कनेक्शन वगैरह करके आपको फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए, हम इसके ऊपर में अभी ब्लॉक लगा लिए हैं। आप देख लीजिए अच्छे से, हमने इसके ऊपर में अभी ब्लॉक लगा लिए हैं। आपको पीछे साइड में दिखाते हैं कि हमने कैसे वायरिंग वगैरह करी है। तो दोस्तों देख लीजिए, हमने वायरिंग कर ली है। आप देख लीजिए पहले, हम उसके बाद आपको बता देते हैं कि कैसे वायरिंग की है। और ये देखिए दोस्तों, हम T1000 ये जला रहे हैं। और ये SMPR से दोस्तों, आप देख लीजिए, ये 5 वोल्ट 20 एम्पियर का है दोस्तों। आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर डाटा दिया है। ये जो ग्रीन वाली तार है, ये डाटा का तार है दोस्तों। हमने यहाँ पे T1000S कंट्रोलर से डाटा लेके हमने यहाँ पर दे दिए हैं। और ये जो रेड है दोस्तों, ये पॉजिटिव है। और जो वाइट है दोस्तों, ये नेगेटिव का है, जो ग्राउंड नेगेटिव का है दोस्तों। ये वाइट वाली हमने यहाँ पर दे दिया सप्लाई। और यहाँ पे भी हमने सप्लाई दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए, हमने सप्लाई दिया है ताकि वोल्टेज कहीं भी ड्रॉप ना हो। ये लास्ट वाली में भी हम देखिए दोस्तों वोल्टेज दिए हैं, ताकि जो चौकड़ी अच्छी तरह से ग्लो करे और कहीं पर भी वोल्टेज ड्रॉप ना हो। तो दोस्तों आपने देख लिया, हमने जो काट लगाया था उसको भी हमने जोड़ लिया है। आप देख लीजिए, एक वायर की मदद से हमने इसके भी जोड़ लिया है। देखिए, अब अच्छे तरह से आपको दिखा देते हैं बोर्ड, आप देख लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से डाटा को निकाल के उसमें दे दिया है, जो चौकड़ी बोर्ड में, उसमें चौकड़ी बोर्ड में दे दिया है दोस्तों। आपको जला के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जल चुका है। देखिए दोस्तों, आपको पीछे से दिखा रहे हैं हम, आपको सामने से भी दिखा देते हैं। और देखिए दोस्तों, साइड में हमने जो बांस का टुकड़ा था वही को हमने बटन बनाया है। देखिए दोस्तों सामने से, सामने से देख लीजिए दोस्तों कि किस तरह से ग्लो कर रहा है। अभी थोड़ा को जला के दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। और देखिए दोस्तों किस तरह से ग्लो कर रहे हैं। और आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों।